हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रीन दिस इज बरखा गुप्ता योर आई पी एडुकेटर फॉर क्लास ट्वेल्थ सो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यू कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर वन को क्वायरिंग एंड एस क्यूएल को जिसका आज डिस्कस करने वाले हैं हम टॉपिक नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन रिलेशन ओके सो कौन से टॉपिक को आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन रिलेशन और क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि एस क्यूएल क्या होते हैं

ठीक है एक सिंगल टेबल से यदि कॉमन डेटा वैल्यूज को एक्सेस करना है तो ग्रुप बाय क्लॉज का कैसे यूज करते हो आज की वीडियो में हम मल्टीपल रिलेशन मतलब एक से ज्यादा रिलेशन पे आप कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो एक से ज्यादा टेबल समझ में आ रहा है ना एक से ज्यादा रिलेशन एक से ज्यादा टेबल्स की वैल्यूज को मिलाकर यदि आपको एक्सेस करना है तब आप कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो तो एसक्यूएल के कुछ ऑपरेशन है जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे सो so स्टूडेंट्स आज की वीडियो कहीं ना कहीं बहुत स्पेशल होने वाली है क्यों स्पेशल होने वाली है क्योंकि अभी तक हमने देखा सिंगल टेबल पे आप किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करना है, है ना और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक से ज्यादा टेबल पे आप कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करके वैल्यूज को एक्सेस करते हो रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हो ओके okay? उनपे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो सो so, कितने टाइप के ऑपरेशन है जो एक से ज्यादा टेबल पे आप अप्लाई कर सकते हो यूनियन ऑपरेशन इंटरसेक्ट ऑपरेशन माइनस ऑपरेशन एंड कार्टिशन प्रोडक्ट ऑपरेशन सो ये चारों ऑपरेशन को ही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स ओके okay? अब ये चारों जो ऑपरेशन आपको दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपने मैथ्स में सुने होंगे क्योंकि मैथ्स में सेट थ्योरी में यूनियन इंटरसेक्ट माइनस कार्टीशन प्रोडक्ट यूज होते हैं ओके okay. सो so, वही उसी नाम से हम यहां एसक्यूएल में भी इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हैं ओके okay. सो so, जो कॉन्सेप्ट होता है यूनियन इंटरसेक्ट माइनस का वही कॉन्सेप्ट भी हम फॉलो करेंगे चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऑपरेशन क्या होते हैं और कैसे एसक्यूएल क्वेरी में यूज किए जाते हैं ओके सो वी कैन परफॉर्म सर्टन ऑपरेशन ऑन रिलेशन लाइक यूनियन इंटरसेक्शन एंड सट डिफरेंस टू मर्ज द्स ऑफ दू टेबल्स टू टेबल के रिकॉर्ड्स को टू टेबल के टपल्स को यदि मर्ज करके आपको एक्सेस करना है एक से ज्यादा टेबल के रिकॉर्ड्स को यदि आपको एक्सेस करना है तो आप क्या करते हो इन ऑपरेशन का यूज करते हो ठीक है जब दो टेबल पे से आप एक्सेस करने वाले हो यूनियन को इंटरसेक्शन को माइनस को इन ऑपरेशन का यूज करने वाले हो दो टेबल्स पे सो इसीलिए हमने इसको क्या कहा कि ये कौन से ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन है ओके okay. सो so, जो ऑपरेशन होते हैं रिलेशन में यूनियन इंटरसेक्शन माइनस है ना ये सारे कौन से ऑपरेशन हैं बाइनरी ऑपरेशन के नाम से भी जाने जाते हैं तो यदि एमसीक्यूज में फिलफ में किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसक्यूएल के बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं तब आपको बताने की सारे सेट ऑपरेशन जो होते हैं वही कहलाते हैं बाइनरी ऑपरेशन दैट वर्क अपॉन टू टेबल्स जो कि दो टेबल पे वर्क करते हैं ओके okay? सो so, दो टेबल से डेटा को यदि आपको एक्सेस करना है इन सिंपल लैंग्वेज देन वी यूज दिस ऑपरेशंस अब नोट देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है नोट ईयर दैट दीज ऑपरेशन कैन ओनली बी अप्लाइड ये जो ऑपरेशन अभी हमने देखे यूनियन इंटरसेक्ट माइनस ये तभी अप्लाइड होते हैं जब If both the relations have same number of attributes, बहुत ध्यान से समझना इस लाइन को कि जब दोनों टेबल में सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हो मतलब दोनों टेबल के डिग्री सेम हो है ना सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट मतलब किसी टेबल में यदि तीन कॉलम से तीन एट्रीब्यूट है तो दूसरी टेबल में भी तीन कॉलम और तीन ही एट्रीब्यूट होना चाहिए तभी क्या कर सकते हो आप दोनों टेबल से यूनियन इंटरसेक्शन जैसे को परफॉर्म कर सकते हो समझ में आया एंड इन बोथ टेबल्स सेम डोमेन और जो वैल्यूज हैं एट्रीब्यूट की वो भी सेम डोमेन में होना चाहिए ठीक है अब ये चीज आपको समझ में आएगी जब मैं सारे ऑपरेशन को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी ओके सो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि ये नोट ध्यान रखना है कि जब भी आपको यूनियन इंटरसेक्शन जैसे ये जो पे, जो पे अभी हमने देखे चार ऑपरेशन ये ऑपरेशन आपको बाइंड्री ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए क्या है कि दोनों टेबल में जिन दो टेबल से आप रिकॉर्ड को एक्सेस करने वाले हैं उन दोनों टेबल में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एग्जिस्ट करना चाहिए सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होना चाहिए ओके okay? और उनकी वैल्यूज भी क्या ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए बोथ द रिलेशन ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं यूनियन रिलेशन यूनियन यूनियन का मतलब यदि हम बोले तो एक यूनिटी की तरह एक्सेस कर सकते हो आप ठीक है ना इसका मतलब ऐसे समझ सकते हो सो यूनियन का मतलब क्या है यहां पर कि एक टेबल और दूसरी टेबल दोनों रिलेशंस के कंप्लीट रिकॉर्ड को कंप्लीट सेट को आपको एक्सेस करना है दोनों टेबल में सपोज किसी एक टेबल में दस है किसी दूसरी टेबल में भी दस रिकॉर्ड है तो ट्वेंटी रिकॉर्ड को आपको एक्सेस करना है एक साथ समझ में आया दैट इज कॉल्ड यूनियन सो दिस ऑपरेशन इज यूज टू कंबाइन द सिलेक्टेड रोज ऑफ टू टेबल्स एट अ टाइम दोनों टेबल में जितने भी रोज हैं जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको कंबाइन करके यदि आपको रिजल्ट को एक्सेस करना है तो हम यूनियन ऑपरेशन का यूज करते हैं ठीक है सो इफ सम रोज आर द सेम इन बोथ टेबल्स देन द रिजल्ट ऑफ यूनियन ऑपरेशन विल शो दिस रोज ओनली वंस अगर दोनों टेबल में सेम सेम रो आ रही है तो आप क्या शो करेगा यहां पे यूनियन यहां पे यूनियन शो करेगा उन दोनों कॉमन रोज का एक ही ऑकरेंस समझ में आया ठीक है कैसे लेट सी देखो यहां पे सपोज हम एक एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं कि हमारे पास टू टेबल्स है कौन कौन सी टेबल्स है एक म्यूजिक टेबल है एक डांस टेबल है है ना क्या एग्जाम्पल लिया हमने कि एक म्यूजिक नाम की टेबल है और एक डांस नाम की टेबल है दो रिलेशन है म्यूजिक म्यूजिक नाम के रिलेशन में से रिलेटेड है student, है स्टूडेंट ना स्टूडेंट की स्टूडेंट कौन है क्या रोल नंबर है कौन कौन सी क्लास में कि कौन, किस ने म्यूजिक क्लास ज्वाइन की है ऐसे डांस से रिलेटेड एक टेबल बनी हुई है ठीक है so, सो अब दोनों टेबल के रिकॉर्ड को आपको क्या करना है कंबाइन करके शो करना है दोनों टेबल्स में जो भी रो है उन दोनों टेबल के रो का डेटा आपको एक साथ चाहिए तो किस ऑपरेशन का यूज करोगे आप यूनियन ऑपरेशन का यूज करोगे समझ में है सपोज ये हो गई आपकी म्यूजिक टेबल ओके और ये हो गया आपका डांस टेबल तो म्यूजिक और डांस टेबल है ना इन दोनों का डाटा आपको कंबाइंडली चाहिए तो जो वेन डायग्राम बनेगा वो वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा यूनियन के लिए तो यहां पे म्यूजिक यूनियन डांस ठीक है जब आपने दोनों टेबल के डेटा को एक्सेस करना चाहा तो इस तरीके से आपको सारी चीजें शो होंगी ये कॉमन रिकॉर्ड्स जो होंगे वो एक बार शो होंगे टेबल में इनका ऑकरेंस वन शो होगा क्लियर सो यूनियन रिटर्न कंबाइंड यूनिक एंट्रीज ऑफ टू टेबल्स ध्यान से देखो कि यूनिक एंट्री को रिटर्न करता है अगर दोनों टेबल में कहीं ना कहीं सेम रिकॉर्ड होंगे तो उसकी एंट्री आपको एक बार शो होगी वो टेबल में जो कंबाइंड रिजल्ट आएगा उसमें उसकी वैल्यू यूनिक वे में शो होगी

ये हो गई आपके डांस टेबल जिसमें सीरियल नंबर नेम और क्लास तीन कॉलम है ये म्यूजिक टेबल उसमें भी सीरियल नंबर नेम और क्लास कि डांस वाले रिलेशन में इतने स्टूडेंट हैं म्यूजिक वाले रिलेशन में इतने स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट जो म्यूजिक को पसंद करते हैं वो स्टूडेंट जो डांस को पसंद कर रहे हैं ओके सो यहाँ पे कॉलम सेम है तभी आप इन दोनों टेबल के डेटा को मर्ज कर सकते हैं इन दोनों टेबल के डेटा को एक साथ कंबाइंडली एक्सेस कर पाओगे तो जब आपको इन दोनों टेबल के डेटा को कंबाइंड करके एक्सेस करना है एक साथ एक ही टेबल में तो हम यूज करेंगे यूनियन ऑपरेशन का अब इस डांस वाले रिलेशन में देखो तीन कॉलम है ठीक है और रिकॉर्ड कितने हैं रो कितनी है टपल्स कितनी है चार टपल है है ना इनको हम क्या बोलते हैं टपल बोलते हैं रोज भी बोलते हैं रिकॉर्ड्स भी कहते हैं ठीक है ठीके? इसी तरीके से म्यूजिक वाले रिलेशन में देखो तीन तो कॉलम है आपके और यहां पे रोज टपल्स कितनी है फाइव रोज है फाइव रिकॉर्ड है फाइव टपल्स है समझ में आया अब आप क्या चाहते हो कि ये फोर रोज और ये फाइव रोज दोनों कंबाइंड होके एक ही रिलेशन में शो हो है ना यदि कोई रिपीट uh, कर रहा है रिकॉर्ड तो वो एक ही बार शो होगा क्लियर तो यहां ध्यान से देखो आस्था महिरा मोहित संजय महक महिरा लवन संजय अभय तो ये महीरा नाम की जो स्टूडेंट है ठीक है ये म्यूजिक को भी पसंद कर रही है और ये डांस को भी पसंद कर रही है ठीक है दोनों में इंटरेस्टेड है तो ये रिकॉर्ड दोनों टेबल में कॉमन है ना तो जब आप इन दोनों टेबल पे यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो ये वाला जो रिकॉर्ड है महिरा वाला रिकॉर्ड वो सिंगल टाइम दिखेगा आपको इसकी एक ही यूनिक एंट्री दिखेगी समझ में आया इसी को बोलते हैं यूनियन क्लियर सो चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल सो यहां ध्यान से देखो इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है इफ यू नीड टू द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन आदर इवेंट देन वी हैव अप्लाई यूनियन ऑपरेशन रिलेटेड रिप्रेजेंटेड बाय द यू सिंबल इस सिंबल से यूनियन को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑन रिलेशन डांस एंड म्यूजिक तो यूनियन इंटरसेक्शन माइनस कार्टिशियन प्रोडक्ट ये सारे ऑपरेशन के लिए आपको दो रिलेशन की जरूरत है तो यहाँ पे हमने दो रिलेशन डांस और म्यूजिक देखे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप लिखने के लिए है ना ये यूनियन का साइन होता है ये किसका साइन है यूनियन का साइन है समझ में आया ओके okay. सो so, अब यहां ध्यान से देखो इसके लिए क्वेरी क्या लिखोगे आप क्योंकि माइस पे आपको कहीं ना कहीं इसके लिए क्वेरी लिखनी पड़ेगी दो टेबल यदि एग्जिस्ट कर रही है कमेंटली एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से माइस क्यूल आपको स्टार्ट करना है वहां पर आपको लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस यूनियन देखो यूनियन पूरा लिखना है ना यू का साइन नहीं लगाना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूजिक मतलब सिलेक्ट स्टार क्वेरी का हमने यूज किया क्योंकि कहीं ना कहीं हमें रिकॉर्ड्स को कंबाइंडली डिस्प्ले करवाना है जब आपको रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना है तो रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाने के लिए जिस स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट का वो होता है सिलेक्ट स्टेटमेंट राइट तो क्या यूज किया हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस डांस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स जो फोर रिकॉर्ड्स है उसको सिलेक्ट करें डिस्प्ले करें यूनियन का यूज किया किसका यूज किया यूनियन का यूनियन ऑपरेशन का यूज किया और उसके बाद लिखा है सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम म्यूजिक कि म्यूजिक वाली जो टेबल है रिलेशन है उससे भी सारे रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर ले और दोनों को सिलेक्ट करके इस यूनियन वाले क्लॉज ने इस यूनियन वाले ऑपरेशन ने क्या किया है दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स को एक साथ शो किया है यदि कॉमन रिकॉर्ड है तो उसको यूनिकली शो किया है तो इसका आउटपुट क्या आएगा जब आप इस तरीके से क्वेरी लिखोगे तो, तो इसका आउटपुट जनरेट होगा कुछ ये ध्यान से देखो यहाँ पे आपको पूरे रिकॉर्ड शो हो रहे हैं महिरा वाला रिकॉर्ड सिंगल टाइम शो हो रहा है क्या लिखा है डांस यूनियन म्यूजिक ठीक है तो दोनों टेबल में पहले तो कॉलम सेम होना चाहिए यस कॉलम सेम थे सीरियल नंबर नेम एंड क्लास ठीक है अब ये टेबल यूनियन वाली टेबल है आपके सामने जो शो हो रही है ये यूनियन वाली टेबल है ठीक है जो कंबाइंड होकर रिजल्ट आपको शो हो रहा है अब यहां देखो वन टू थ्री फोर ये हो गए आपके कौन से टेबल के डांस वाली टेबल के रिकॉर्ड्स और ये हो गए आपके म्यूजिक वाली टेबल के रिकॉर्ड्स ओके सो तो यहाँ पे दो ऐसे रोज थे रिकॉर्ड्स थे जो रिपीट हो रहे थे महिरा आपको सिंगल टाइम शो हो रहा है ओके सो क्लियर हुआ आपको यहाँ पे कि दोनों टेबल के रिकॉर्ड को मर्ज करके आपके सामने एक कंबाइंड टेबल शो किए किसने यूनियन ऑपरेशन ने कैसे जब आपने लिखा स्टार फ्रॉम टेबल नेम वन यूनियन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम टू तब आपको दोनों टेबल का मर्ज होके रो रिकॉर्ड्स यहां शो हो रहे हैं और डुप्लीकेट यदि रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं दोनों टेबल में तो उसकी वैल्यू आपको सिंपल एक तरीके से शो हो रही है ओके okay? सो so, इसको यदि और इजीली समझे तो और इजीली आप क्या देख सकते हो सेट्स के फॉर्म में भी समझ सकते हो कि ए एक सेट है जिसमें क्या है जिसमें सपोज ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट हैं ए बी सी डी है ना ये जेड तक के अल्फाबेट आ गए बी आपने एक सेट ले लिया जिसमें वॉवल्स हैं ओनली ए ई e, आई ओ और यू ठीक है क्लियर हुआ तो अब यदि इन दोनों को यूनियन करवाना है तो क्या करेंगे हम क्या होगा ए वाले कॉमन रिकॉर्ड हैं कहीं ना कहीं ई कॉमन आ जाएगा आई कॉमन आ जाएगा ओ कॉमन आ जाएगा यू कॉमन आ जाएगा तो ए यूनियन बी जब आप करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा ए बी सी डी टू जेड तक सारे रिकॉर्ड मिलेंगे है ना ये ए e, कहीं ना कहीं इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं ना तो उनकी एंट्री आपको एक ही बार मिलेगी यूनिक रिकॉर्ड ही मिलना है ठीक है सो मैथमेटिकली यदि देखा जाए तो सेट थ्योरी में इस तरीके से यूज करते हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं एसक्यूएल एसक्यूएल की तो SQL में से आप रिकॉर्ड को है ना records को एक्सेस कर सकते हो यूनियन क्लॉज का यूज करके ठीक है दो टेबल के बीच में रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए इसी तरीके से नेक्स्ट ऑपरेशन होता है ये तो यूनियन हुआ हो अच्छे से समझ में आया यूनियन नेक्स्ट देखो क्या है इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि कॉमन रिकॉर्ड्स रिटर्न करना सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड्स जो दोनों टेबल में कॉमन वैल्यूज है उसी को रिटर्न करना इसका वेन डायग्राम देखो ध्यान से समझ में आएगा ये हो गया आपका म्यूजिक वाला रिकॉर्ड रिलेशन uh, ये हो गया डांस वाला रिलेशन अब उन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज होंगी ना ये कॉमन वैल्यूज ही आपको मिलेगी किसके थ्रू इंटरसेक्ट ऑपरेशन के थ्रू तो इंटरसेक्ट ऑपरेशन क्या रिटर्न करेगा है? जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है आपको ना वही रिटर्न करेगा जो दोनों में कॉमन रिकॉर्ड होंगे वही आपको रिटर्न होंगे ठीक है यूनियन में क्या हो रहा था हमें सारे रिकॉर्ड्स शो हो रहे थे दोनों टेबल्स हैं आपकी उन दोनों टेबल्स में से कॉमन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा ठीक है रिटर्न करेगा सो इंटरसेक्ट ऑपरेशन इज यूज टू गेट द कॉमन टपल्स फ्रॉम टू टेबल्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ठीक है ये यू वाला साइन यूनियन को डिनोट करता है और अगर आपने इस यू को ऑपोजिट ऑर्डर में बना दिया है ना तो ये शो करता है किसको इंटरसेक्ट को अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी देखोगे तो आप यही सिंबल्स होते हैं यूनियन इंटरसेक्ट के यहां भी यही होते हैं ठीक है थेके? बेसिकली आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन होते क्या हैं और कैसे इनका यूज करना है माई स्केल में किस तरीके से टेबल से डेटा को एक्सेस करने के लिए इनको यूज किया जाता है ठीक है

तो यही दो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं जो दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं माहिरा और संजय इनकी एंट्रीज यूनियन में रेखी थी तो सिंगल सिंगल एंट्री थी राइट बाकी आस्था मोहित ना उस टेबल में है महक लावन अभय ना इस टेबल में है समझ में आया आस्था मोहित इस टेबल में नहीं है महक लावनया अभय इस टेबल में नहीं है माहिरा संजय माहिरा संजय सेकंड और फोर्थ नंबर का जो रिकॉर्ड है वही दोनों टेबल में कॉमन है तो इंटरसेक्टर में क्या रिटर्न करेगा इंटरसेक्टर में कॉमन रिकॉर्ड रिटर्न करेगा मतलब माहिरा और संजय की एंट्री आपको शो करेगा ठीक है और यूनियन ने क्या शो किया था देखो यहाँ पे ध्यान से यूनियन ने माहिरा और संजय की हमें सिंगल सिंगल एंट्री दी थी दो बार रिपीट होते हुए दिख रहे हैं क्या नहीं दिख रहे ना ठीक है तो माहिरा और संजय की एंट्री हमें सिंगल ही दिखी थी यूनिक यूनियन में टू और फोर नंबर का रिकॉर्ड एक ही बार एग्जिस्ट कर रहा है क्लियर अब इंटरसेक्शन क्या करेगा यूनियन ने तो सारे रिकॉर्ड दे दिए दोनों टेबल के मर्ज करके अब इंटरसेक्शन का काम होगा कि आपको सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड देगा माहिरा और संजय का ठीक है टू और रोल नंबर का तो उसके लिए आप क्वेरी कैसे लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस डांस टेबल के सारे रिकॉर्ड को सिलेक्ट करें फिर इंटरसेक्ट ऑपरेशन आपने अप्लाई किया कौन सा इंटरसेक्ट प्रॉपर लिखना स्पेलिंग देन स्टार फ्रॉम म्यूजिक ठीक है कि म्यूजिक टेबल के भी सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करे तो इस क्वेरी ने क्या किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस ने डांस के सारे रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया डिस्प्ले किया और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूजिक ने म्यूजिक के सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले किया लेकिन ये जो इंटरसेक्ट आपने बीच में अप्लाई किया है ना इस इंटरसेक्ट ने दोनों टेबल के पूरे पूरे रिकॉर्ड्स को देखा और उसमें जो कॉमन रिकॉर्ड्स मिले सो तो कौन से दो कॉमन रिकॉर्ड्स मिले वही डिस्प्ले किया तो इंटरसेक्ट का आउटपुट क्या आएगा ध्यान से देखो इसका आउटपुट आपको क्या शो हो रहा है इसका आउटपुट आपको यहाँ पे शोर है कि टू और फोर रोल नंबर के दो स्टूडेंट हैं जिनकी एंट्री डांस में भी है जिनकी एंट्री म्यूजिक टेबल में भी है तो डांस टेबल और म्यूजिक टेबल को पूरा पूरा डिस्प्ले नहीं किया है सिर्फ इंटरसेक्ट की वजह से वो ही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हुए हैं जो कॉमन है दोनों टेबल में समझ में आया तो जो रिकॉर्ड कॉमन होते हैं दोनों टेबल में वही आपको शो होते हैं इंटरसेक्ट का यूज करके इंटरसेक्ट को कैसे लिख सकते डान्स का लगा के भी लिख सकते वही, सेम वही सेट सेम लिया हुआ e, अब इन दोनों में से कॉमन रिकॉर्ड निकालना है ना इंटरसेक्ट का आपको साइन यूज करना है तो इंटरसेक्शन भी तो आपको क्या मिलेगा ए दोनों में है ई दोनों में

माइनस का मतलब होता है दिस ऑपरेशन इज यूज टू गेट टपल्स रोज विच आर इन द फर्स्ट टेबल बट नॉट इन द ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस सिंबल माइनस ऑपरेशन का नाम है माइनस सिंबल से शो किया जाता है इस ऑपरेशन का मतलब है कि यहां पे वो ही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होते हैं जो ए टेबल में है बट बी में नहीं है है ना या जो बी टेबल में है पर ए टेबल में नहीं मतलब यहां ध्यान से देखो हमारे पास दो टेबल है म्यूजिक एंड डांस और ये वेन डायग्राम क्या शो कर रहा है कि आपको सिर्फ म्यूजिक टेबल के रिकॉर्ड शो हो रहे हैं डांस टेबल के या जो कॉमन रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं है ना सो so, इस वेन डायग्राम में क्या समझ में आ रहा है आपको कि म्यूजिक टेबल के ही रिकॉर्ड शो हो रहे हैं जो उसी टेबल में एग्जिस्ट करते हैं जो डांस टेबल में नहीं है क्लियर हुआ सपोज आपके पास में एक टेबल है ए एक टेबल है बी ठीक है जब आप लिखते हो ए माइनस बी मतलब आपको शो होंगे क्या यहां पे आपको शो होंगे only A -Table. A -Table के आपको शो होंगे है ना यदि आप लिखते हो बी माइनस है तो यहां पे आपको रिकॉर्ड शो होंगे ओनली बी टेबल के ओके समझ में आया ये होता है माइनस क्लॉज का काम क्लियर हुआ कि इस वेन डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है कि म्यूजिक और डांस दो टेबल है अब हमें वही स्टूडेंट्स चाहिए जिन्होंने सिर्फ म्यूजिक में सिर्फ म्यूजिक में पार्टिसिपेट किया है जो डांस में नहीं है तो वो स्टूडेंट जिन्होंने म्यूजिक में पार्टिसिपेट किया है जो डांस में नहीं है सो इसके लिए हमने यहां पे यूज किया है माइनस क्लॉस का कि वो रिकॉर्ड्स जो ए टेबल में है म्यूजिक टेबल में है सिर्फ वही डिस्प्ले हो ना कि सेकंड टेबल के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो तो so, क्या लिखा हुआ है कि दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू गेट टपल्स और रोज वही रो और वही टपल आपको डिस्प्ले होंगी दैट आर इन द फर्स्ट टेबल बट नॉट इन दी टेबल जो फर्स्ट टेबल में रिकॉर्ड होंगे वही डिस्प्ले होंगे लेकिन जो सेकेंड टेबल में नहीं है वो डिस्प्ले नहीं होंगे इसको डिस्प्ले किया जाता है इसको लिखा जाता है इंडिकेट किया जाता है माइनस साइन के साथ तो ये जो फिगर है ये आपको शो कर रहा है किसका माइनस ऑपरेशन का रिप्रेजेंटेशन जिसको हम सेट डिफरेंस नाम से भी जानते हैं इस माइनस ऑपरेशन को हम किस नाम से जानते हैं सेट डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं सो माइनस ऑपरेशन रिटर्न्स द रोज दैट आर इन द फर्स्ट टेबल आर नॉट इन द सेकंड टेबल जो फर्स्ट टेबल में रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ वही आपको शो करेगा समझ में आया कब जब आप लिखोगे फर्स्ट टेबल माइनस सेकेंड टेबल लेकिन यदि आपने उल्टा लिखा सेकेंड टेबल माइनस फर्स्ट टेबल तो जो सेकंड टेबल में रिकॉर्ड होंगे आपको वही डिस्प्ले होंगे ओके अब देखो यदि हम बात करते हैं यहां पर हमारी किसकी टेबल्स की तो डांस टेबल और म्यूजिक टेबल दोनों आपको यहाँ पे शो हो रही है डांस टेबल और म्यूजिक टेबल राइट right. तो अब यदि मैं चाहती हूं कि मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड शो हो जो स्टूडेंट्स ने म्यूजिक सिलेक्ट किया है तो यहां पे देखो ये माहिरा और संजय शो नहीं होगा हमें ये दो एंट्री शो नहीं होगी कब जब आप लिखोगे म्यूजिक माइनस डांस जब आपने लिखा म्यूजिक माइनस डांस तो यू हैव टू सिलेक्ट यहां पे जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे वो कौन से स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे वो कौन से स्टूडेंट हमें मिलेंगे यहां पे महक लावण्या और अभय सिर्फ ये तीन ही स्टूडेंट मिलेंगे क्योंकि ये तीन स्टूडेंट सिर्फ म्यूजिक में है डांस में नहीं है लेकिन जब आप कुछ इस तरीके से लिखते हो क्या लिखते हो जब आप कुछ लिखोगे इस तरीके से लाइक like, क्या कि डांस माइनस म्यूजिक जब आपने लिखा डांस माइनस म्यूजिक कि आपको सिर्फ वही स्टूडेंट चाहिए जो डांस में है म्यूजिक में नहीं है तो जो कॉमन रिकॉर्ड्स थे वो हट जाएंगे और आपको आउटपुट मिलेगा सिर्फ क्या आस्था और मोहित कि आस्था और मोहित ऐसे दो स्टूडेंट है जो डांस में है लेकिन म्यूजिक में नहीं है तो इस माइनस का काम क्या हुआ कि पहली टेबल से वही रिकॉर्ड डिस्प्ले किए जो इसी टेबल में है उसमें नहीं है और यहाँ पे माइनस ऑपरेशन ने दूसरे टेबल के वही रिकॉर्ड डिस्प्ले किए जो पहली टेबल में है समझ में आई मेरी बात अच्छे से क्लियर हुआ चलो इसकी क्वेरी देख लेते हैं और किस तरीके से आउटपुट आएगा वो भी देख लेते हैं क्लियर सो यहाँ पे आपको क्वेरी क्या लिखनी है माइनस के लिए सपोज वी वांट टू लिस्ट

कमांड तो पूरी लिखनी है कि म्यूजिक में से सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करें माइनस क्लॉज का यूज किया है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस क्वेरी समझ में आ गई कि म्यूजिक और डांस दोनों टेबल को पूरा पूरा सिलेक्ट करें लेकिन माइनस क्लॉज ने क्या कर दिया माइनस क्लॉज ने सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले किए जो सिर्फ म्यूजिक टेबल में है क्वेरी क्लियर हो गई अच्छे से तो आउटपुट क्या मिला है इस क्वेरी का ध्यान से देखो क्वेरी का आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा म्यूजिक टेबल के वो तीनों रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले हो रहे हैं है, है ना जो किस में है सिर्फ वो स्टूडेंट्स जिन्होंने म्यूजिक किया बाकी जो दो स्टूडेंट थे महिरा और संजय उनका डांस भी था वो शो हो रहे हैं क्या नहीं शो हो रहे हैं और ना कि आपको डांस वाले स्टूडेंट भी शो हो रहे हैं आपको सिर्फ वही स्टूडेंट शो हो रहे हैं म्यूजिक टेबल के जिन्होंने सिर्फ म्यूजिक सिलेक्ट किया था ओके okay. अब यदि आप यहां पे क्वेरी कुछ इस तरीके से लिखते हो ये तो हमने क्या लिखा कि म्यूजिक माइनस डांस ना यहां पे आएगा म्यूजिक माइनस डांस तो म्यूजिक वाली टेबल की आपको वैल्यू शो हो रही है लेकिन यदि आप लिखते हो क्या यदि आप लिखते हो यहां पर क्वेरी को उल्टे तरीके से मतलब और करके यदि आप क्वेरी इस तरीके से लिखते हो क्या कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस है ना माइनस माइनस क्लॉस का यूज कर लेते हैं और लिखते हैं हम उसके बाद स्टार फ्रॉम म्यूजिक ठीक है तो अब इस इस क्वेरी क्वेरी का का मतलब मतलब क्या हुआ इस का मतलब हुआ कि वही रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले होंगे जो सिर्फ डांस टेबल में होंगे म्यूजिक में नहीं होंगे क्यों क्योंकि हमने माइनस हम क्लास का यूज करके अब क्या करवा लिया डांस माइनस म्यूजिक कर लिया ओके सो so कोई डाउट तो नहीं है ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई यहां पर आपको वही रिकॉर्ड शो होंगे जो म्यूजिक टेबल में होंगे क्योंकि यहां पे आपने यूज किया म्यूजिक माइनस डांस और इस क्वेरी में आप यूज कर रहे हो डांस माइनस म्यूजिक है ना क्लियर है अच्छे से क्वेरी क्लियर है अच्छे से यहाँ पे ऊपर नीचे लिखने में देखो डिफरेंस आ जाएगा दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स भी अलग अलग शो होंगे जब आपने लिखा म्यूजिक माइनस डांस तो म्यूजिक वाली टेबल के ओनली रिकॉर्ड शो हुए जब आपने लिखा डांस माइनस म्यूजिक तो डांस टेबल के ये जो डांस टेबल है इसके आपको सिर्फ दो ही रिकॉर्ड शो होंगे आस्था का और किसका मोहित का समझ में आया अभी आपको म्यूजिक माइनस डांस में कौन से शो हो रहे थे महक लावण्या और अभय ये तीन शो हो रहे थे क्लियर हुआ ना अच्छे से ये तो माइनस क्लॉस का यूज अच्छे से समझ में आया ओके फाइन सो हमने यूनियन देखा हमने इंटरसेक्शन देखा माइनस देखा यूनियन ने सारे रिकॉर्ड्स को मर्ज करके शो कर दिया यूनिक रिकॉर्ड्स को इंटरसेक्शन ने कॉमन रिकॉर्ड्स को शो किया ठीक है और माइनस ने सिर्फ एक टेबल में एग्जिस्ट करने वाले रिकॉर्ड्स को शो किया जो दूसरे टेबल में प्रेजेंट नहीं थे क्लियर नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज कार्टिशियन प्रोडक्ट अब नेक्स्ट क्या है कार्टिशियन प्रोडक्ट देखो कार्टिशियन प्रोडक्ट का मतलब नाम से समझ लो यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब कि क्या होने वाले हैं रिकॉर्ड्स मल्टीप्लाई होने वाले हैं ठीक है ठीके? और मल्टीप्लाई कैसे मैथ्स में होता है ना वैसे यहाँ पे भी शो होगा किस तरीके से शो होगा एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ फिर इसको पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है सपोज एक ए टेबल ली हमने कौन सी टेबल ली एक ए टेबल ली ठीक है इस ए टेबल में यहाँ पे हमने इसके कॉलम्स रख लिए तीन कॉलम्स ओके फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीन कॉलम्स हो गए क्लियर अब यहां पे हमने ली बी टेबल ये कौन सी टेबल हो गई हमारी बी टेबल इस बी टेबल में भी हमने क्या कर लिया तीन कॉलम्स ले लिया सेम नंबर ऑफ कॉलम एग्जिस्ट करना चाहिए ना बाइनरी ऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ा हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में नोट में कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए तभी यूनियन इंटरसेक्ट कार्टीशन प्रोडक्ट आप परफॉर्म कर पाओगे ठीक है तो अब इसका जब आप कार्टीशन प्रोडक्ट निकालोगे दोनों टेबल का तो ध्यान से देखना दोनों टेबल का जब आप कार्टीशन प्रोडक्ट निकालोगे तो एज ए रिजल्ट आपको आउटपुट क्या मिलेगा आपको आउटपुट में मिलेंगे पूरे सिक्स कॉलम्स क्या मिलेंगे पूरे सिक्स कॉलम सिक्स हो गए थ्री फोर फाइव और ये सिक्स मतलब वन टू थ्री ये हो गए ए टेबल के रिकॉर्ड वन टू थ्री ये हो गए बी टेबल के कॉलम्स तो ये आपको आउटपुट मिलेगा कब जब आप एक टेबल और दूसरी टेबल दोनों के बीच में कार्टिशियन प्रोडक्ट ये कौन सा ऑपरेशन है कार्टिशियन प्रोडक्ट इसको डिनोट करते हैं एक्स सिंबल से प्रोडक्ट है ना तो क्रॉस से डिनोट करते हैं जब आपने दोनों टेबल पे कार्टिशियन प्रोडक्ट अप्लाई किया तो आपको कौन से रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे रिकॉर्ड्स तो पूरे डिस्प्ले होंगे लेकिन कॉलम्स भी आपको यहाँ पे पूरे डिस्प्ले होंगे देखो ये ए टेबल के कॉलम ये बी टेबल के कॉलम दोनों कॉलम आपको यहाँ शो हो रहे समझ में आया जब आपने ए क्रॉस बी किया तब एक टेबल और बी टेबल के बीच में कार्टिशियन प्रोडक्ट को अप्लाई किया तो यहां देखो कॉलम्स जो कॉलम सेकंड दोनों टेबल के कॉलम एड हुए हैं अब यहाँ पे जो रो होगी सपोज यहां पे रो एंटर करी हमने कितनी थ्री थ्री रोज एंटर करी ये रो हमने यहाँ पे एंटर कर दी ठीक है तीन रो यहां पर है तीन चार रो यहां पर है क्लियर तो ये गए इनके रिकॉर्ड्स तो रिकॉर्ड्स क्या होंगे रिकॉर्ड्स होंगे मल्टीप्लाई ध्यान से देखो यहां पे रिकॉर्ड्स क्या होंगे मल्टीप्लाई यहां पे थ्री रिकॉर्ड्स हैं, यहां पे फोर रिकॉर्ड्स हैं, तो थ्री इंटू फोर दैट इज ट्वेल्व एंट्रीज आपको यहां पे मिलेगी क्या मिलेगी यहां पे आपको इस टेबल में ट्वेल्व एंट्रीज समझ में आया कितनी एंट्री मिलेगी ट्वेल्व एंट्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अपटू टक ट्वेल्व रिकॉर्ड्स आपको यहां पर मिलना है So, ध्यान से समझो कार्टिशियन प्रोडक्ट का काम क्या होता है कार्टिशियन प्रोडक्ट कॉमन रिकॉर्ड्स को भी आपको यहां डिस्प्ले करेगा है ना सारे कॉलम्स को डिस्प्ले करेगा दोनों दोनों टेबल के कॉलम्स को डिस्प्ले करेगा दोनों टेबल्स के रोज को रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा बट कैसे कॉलम्स को प्लस कर देगा और जो रिकॉर्ड्स होंगे ना जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके शो करेगा इस टेबल में थ्री रिकॉर्ड्स है इसमें फोर रिकॉर्ड्स है थ्री फोर ट्वेल्व ट्वेल्व रिकॉर्ड्स आपको यहां पर डिस्प्ले होंगे समझ में आया तो कार्टिशन प्रोडक्ट का क्या काम हुआ ध्यान से देख लो अब डेफिनेशन कार्टिशन प्रोडक्ट ऑपरेशन कंबाइन टपल्स क्या करता है ये टपल्स को कंबाइन करता है इट कंबाइन टपल्स रोज को रिकॉर्ड को कंबाइन करता है फ्रॉम टू रिलेशन इट रिजल्ट रिजल्ट कैसा देता है ध्यान से देखो इट रिजल्ट इन ऑल पेयर्स ऑफ रोज रो के सभी पेयर्स को रिजल्ट को रिटर्न करता है फ्रॉम द टू इनपुट रिलेशंस रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट क्रॉस okay, सिंबल से डिनोट किया, किया जाता है तो कार्टिशन प्रोडक्ट भी समझ में आया हो बाबा आपको अच्छे से समझ में आया होगा कार्टिशन प्रोडक्ट का काम किया है कंटिन्यू करेंगे इसको हम वही एग्जाम्पल के साथ पहले दो चीज और डिस्कस कर ले अब यहां देखो बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि द डिग्री ऑफ रिजल्टिंग रिलेशन इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ ऑफ द द डिग्री बोथ अंडर समिग्रीलेडरेशन अब डिग्री क्या होता है जल्दी बता दो डिग्री होता है कॉलम्स कि टेबल में कितने कॉलम्स हैं डिग्री मतलब टेबल में कितने कॉलम्स हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पे जो कॉलम्स है वो क्या होते हैं प्लस होते हैं देखा ना ये तीन और ये तीन कॉलम दोनों टेबल के कॉलम यहाँ प्लस होके शो हो, हो रहे हैं आपको आउटपुट में तीन और तीन छह कॉलम बन गए ठीक है ठीके? अब ऑफ़ रिजल्टिंग रिलेशन ये रिजल्टिंग रिलेशन है प्रोडक्ट की, की तरह तो यहाँ पे तीन रो थी वन टू थ्री और यहाँ पे वन टू थ्री फोर रोज थी तो थ्री फोर ट्वेल्व तो कार्डिनालिटी कैसे कैलकुलेट हुई कार्डिनालिटी मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट हुई कि यहाँ पे आपको टोटल रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं अब ट्वेल्व तो कार्डिनालिटी क्या है रोज है रिकॉर्ड है ठीक है ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी तो so, यहां पे कंफ्यूज मत होना डिग्री मतलब कॉलम ऑफ द रिलेशन डिग्री मतलब कॉलम एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं और कार्डिनालिटी कार्डिनालिटी का मतलब क्या हुआ रोज और रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल टेबल के रो और रिकॉर्ड तो जब दो टेबल के कॉलम्स की यदि बात करते हैं और उस पर हम कार्टिशन प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो जो कॉलम्स है उनकी वैल्यू एड होती है और जो रोज होती है दोनों टेबल की वो रोज की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है ओके यही लिखा हुआ यहाँ पे ये जो लाइन्स है दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि एज इट इज ये आपसे एमसीक्यूज में फिलअप में पूछ सकते हैं कि कार्टिशन प्रोडक्ट्स में जो रिजल्टिंग रिलेशन है उसकी डिग्री सम होती है कि प्रोडक्ट होती है तो डिग्री हमेशा क्या हुआ कॉलम कॉलम क्या होते हैं प्लस होते हैं इसी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो रोज होती है होते हैं, जो कार्डिनालिटी होती है उसको प्रोडक्ट होता है कि सम होता है या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सम प्रोडक्ट में कार्डिनालिटी और डिग्री क्या होते हैं मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से तो क्या समझाया मैंने यहां पर मैंने आप यहां पर आपको सिर्फ इतना समझाया है डिग्री मतलब कि एट्रीब्यूट जब कार्टिशन प्रोडक्ट आप अप्लाई करते हो तो एट्रीब्यूट की वैल्यूज प्लस हो जाती है है ना और जब आप कार्टिशन प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तो रोज के रिकॉर्ड्स की वैल्यू प्रोडक्ट होती है ओके सो so, इसी तरीके से आपको दोनों टेबल मर्ज होके शो होती है अब एग्जाम्पल की बारी सो so, वही एग्जाम्पल सेम हमारा म्यूजिक और डांस वाला लेट इस यूज द रिलेशन डांस एंड म्यूजिक शो द आउटपुट ऑफ द कार्टिशन प्रोडक्ट कार्टिशन प्रोडक्ट का आउटपुट देखेंगे अब हम डांस और म्यूजिक टेबल पे ओके सो so, क्या है हमारी डांस और म्यूजिक टेबल ध्यान से देखो हमारे डांस और म्यूजिक टेबल है तीन तीन कॉलम दोनों में है मतलब यदि आपने इस पे कार्टीशन प्रोडक्ट अप्लाई किया तो आपको ये तीनों कॉलम तो शो होंगे एक ही मर्ज टेबल में जो टेबल शो होगी कार्टिशन प्रोडक्ट का रिजल्ट शो होगा आउटपुट में उसमें आपको ये तीनो तीनों तीनों कॉलम्स तो दिखेंगे साथ ही आप यहां देखो कितने हैं फोर कॉलम्स है रोज है और यहाँ कितनी रोज है फाइव रोज है ठीक है

ठीक है और डांस और म्यूजिक में जो कार्डिनालिटी थी जो रिकॉर्ड थे पहली वाली टेबल में फोर थे दूसरी वाली टेबल में फाइव थे ठीक है तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको अप्लाइंग कार्टिशियन प्रोडक्ट ऑन दिस टू दिसन विल रिजल्ट इन रिलेशन एज अ डिग्री सिक्स मतलब कि जो कॉलम्स थे वो हो गए प्लस तीन और तीन छे और जो रिलेशन के अंदर जो रिकॉर्ड थे फोर और फाइव रिकॉर्ड मल्टीप्लाई होकर शो होंगे दैट इज ट्वेंटी कैसे चलो अब इसका आउटपुट देखते हैं आउटपुट देखो ध्यान से क्या शो हो रहा है आपको ये हो गए सी टेबल के कॉलम्स ये हो गए आपके डांस टेबल के कॉलम्स ये म्यूजिक टेबल के कॉलम्स तो तीन इसके कॉलम तीन इसके कॉलम तो डिग्री हो गई टोटल कॉलम्स हो गए सिक्स ठीक है अब रिकॉर्ड्स देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवन एन नाइनटीन ट्वेंटी कितने रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं ट्वेंटी फोर म्यूजिक के डांस के और फाइव म्यूजिक के फोर फाइव ट्वेंटी तो ये क्या हुआ कार्डिनालिटी ओके समझ में आया और ये क्या है आपका डिग्री डिग्री मतलब कॉलम्स तो कॉलम्स जो थे दोनों टेबल के वो हो गए प्लस और दोनों टेबल में फोर और फाइव रिकॉर्ड्स थे टोटल तो फोर फाइव ट्वेंटी ये हो गया मल्टीप्लाई करके आपको कॉमन पेयर्स भी पूरे शो हो रहे हैं है ना पहले आपको फोर पेयर फिर फोर पेयर फिर फोर पेयर पेयर के फॉर्म में आपका आउटपुट शो हो रहा है so, सो यहां तक तो क्लियर हुआ कि प्रोडक्ट आपको आपको क्या आउटपुट रिटर्न करेगा सो so, होप अच्छे से समझ में आ गए चारों ऑपरेशन यदि एक से ज्यादा टेबल मतलब दो टेबल पे कुछ ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना है दो टेबल से मर्ज करके डेटा को एक्सेस करना है तो आप किन ऑपरेशंस का यूज करते हो एसक्यूएल में किसका यूज करते हो इन यूनियन इंटरसेक्ट माइनस और कार्टिशियन प्रोडक्ट अब इस कार्टिशियन प्रोडक्ट वाले टॉपिक पर बेस्ड इस ऑपरेशन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, है ना जॉइन टेबल्स कैसे किया जाता है दो टेबल को यदि ज्वाइन करना है तो वो कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में तो प्लीज इसे लाइक साथ, साथ, साथ आपको मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम टाइप करना है यहाँ इस तरीके का होम पेज शो होगा यहां से अपनी क्लास ट्वेल्व सेलेक्ट कर लेना जैसे क्लास ट्वेल्व सेलेक्ट करोगे तो शो होंगे अपने सब्जेक्ट है ना जिसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है अपना सब्जेक्ट आईपी क्लास ट्वेल्थ Watch now पे क्लिक कर लेना watch now पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट की प्ले पर और नीचे आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाना है जैसे आपके बुक में है ना टॉपिक वाइज वैसे प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पे आपको अरेज मिलेंगे हर एक चैप्टर के ओके okay, सो so कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है यहाँ से आप हर एक वीडियो को प्रैक्टिकल के साथ एक्सेस कर सकते हो कुछ इस तरीके से वीडियो शो होगा यदि वीडियो में डाउट होगा तो स्टूडेंट्स Now, आपको से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव अच्छा कर सकते हो सो स्टूडेंट्स होप कि आपको सारे ऑपरेशन अच्छे से समझ में आए यूनियन इंटरसेक्शन माइनस एंड कार्टिशियन प्रोडक्ट नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ परफॉर्म जॉइन ऑन टू डिफरेंट टेबल्स ओके सो स्टे स्टे हैप्पी थैंक यू सो मच